चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बाजू दिए हुए इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम तलाए बरकातो तमाम दोस्तों का सलाम लिया सबके लिए मैं तेरे से इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त शेख रशा हाजिर दोस्तों आपकी खिदमत में। जुदाई नफरत और दुश्मनी डालने के लिए नाजायज रिश्ते के तोड़ के लिए 20वां अमल लेकर हम हाजिर हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने सभी जानते हैं जो मेरे तमाम सब्सक्राइबर हैं, माशाल्लाह आप सभी को पता है हम सीरीज बताते आ रहे हैं हर अमल की बनिस्बात माशाल्लाह बेहतरीन एक से बढ़कर एक अमल आपकी खिदमत में आसान से आसान पेश करते आ रहे हैं। तो ये जुदाई और नफरत के लिए, दुश्मनी पैदा करने के लिए, दो शख्सों को एक दूसरे से अलग करने के लिए, जो जायज़ तरीके के लिए, जायज़ मकसद के लिए, ये हमारा 20वां अमल है दोस्तों। जैसा कि 19 अमल हम अभी तक माशाल्लाह बता चुके हैं जो हर अमल अपने आप में बेनजीर है, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम करते हैं। सारे अमल माशाल्लाह तजुर्बेकार है, लेकिन आज का हमारा अमल माशाल्लाह सारे अमल से और बहुत ही हटकर है। तो जैसा कि दोस्तों आपको याद होगा, कई साल पहले हम जो है ना, 2-3 साल पहले ही मोहब्बत का अमल अंडे पर बताया था। माशाल्लाह वो अमल तो माशाल्लाह इतना फायदा माशाल्लाह, हर कोई इस अमल की तारीफ करते थके नहीं। दोस्तों इसी तरह आज हम बताएंगे अंडे पर ही आपको जुदाई का अमल, यानी नाजायज रिश्ते के तोड़ का अमल। जो भी शख्स जो नाजायज रिश्ता रखते हैं, जैसा कि किसी की बहन के शोहर किसी औरत के साथ नाजायज ताल्लुक है, दाश्ता औरत के साथ, आप चाहते हैं कि औरत को छोड़ दे या औरत अपने आपके शोहर को छोड़ दे, आपके घर वापस सही सलामत आ जाए, ईमान के साथ रहे, या कोई शोहर चाहता है किसी की बीवी का किसी के साथ गैर ताल्लुक है, या किसी का नाजायज रिश्ते किसी के हैं, किसी की दोस्ती ऐसी है जिसकी तरफ से खानदान में आपकी बदनामी हो रही हो, या किसी की रिश्तेदारी ऐसी है जिसकी वजह से आपकी आपकी फैमिली में आपकी प्रॉब्लम चल रही हो, तो दोस्तों ऐसे तमाम मसलों के लिए जो भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत बची रहे, आप बनी रहे, जो है ना इस रिश्ते को, इस दोस्ती को आप खत्म करना चाहते हैं, चाहे वो गलत हो, तो जिसकी वजह से आपका नुकसान ना हो, आपकी बदनामी ना हो, तो दोस्तों ये अमल आप ही के लिए माशाल्लाह है। तो यही बेहतरीन और जायज मकसद है दोस्तों, जिस जायज मकसद को ख्याल को दिल में रखकर ही अमल को करना चाहिए। चलिए दोस्तों ये अमल ये है माशाल्लाह, बहुत ही आसान सा तरीका है, आसान से हम चंद आदत और तिलिस्म के साथ आपको चंद चीजें बताने वाले हैं। जिसको आप लिख कर लोगों में दुश्मनी डालना है, उसका नाम, उसकी माँ का नाम आपको लिखना है। जिस भी शख्स का नाम, अगर इसका माँ का नाम नहीं पता हो किसी औरत का या शख्स मर्द का, तो आप उसकी माँ के नाम के बजाय हवा माँ लिख सकते हैं, बिनते हवा या बिन हवा लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो औरत के लिए बिनते होगा, लड़के के लिए बिन होगा, ये मसला हमेशा पहली वीडियो से बना हुआ आज तक भी है, आज तक भी कई भाई बहन को समझ में नहीं आया, लेकिन इंशाल्लाह मैं हर बार समझाता हूँ तो इस बार भी जरूर समझाऊंगा। लिखने के बाद आपको एक खाली अंडे की पोस्ट में आपको, यानी एक अंडा है जिसको आप छोटा सा होल करके इसकी जर्दी वगैरह सारा कुछ निकाल लें, उसके बाद वो नश को आप लिखकर उसी के अंदर डालना है। फिर इसमें आपको तार रेखा करके बताने वाला हूँ दोस्तों, ये हम जायज मकसद के लिए कैसे करते हैं, क्या करते हैं आपको बताता हूँ। करने का दिन जो है शनिचर सैटरडे दोपहर के वक्त 12 से 2 के दरमियान। तो बहुत से भाई बहनों के कॉल आते हैं, मैसेज में पूछते हैं व्हाट्सएप वगैरह में, तो कि अब हम वक्त चल गया है, 5 बज चुके हैं, क्या हम कर सकते हैं। अगर कोई अमल कर भी लेते हैं तो कहते हैं कि हम अमल आज कर ले, आज हमसे देखना वगैरह नहीं होगा, तो क्या हम कल कर सकते हैं। देखिए, जो अमल की जिस दिन आप ताकीद की जाती है, अगर उसी दिन आप करते हैं तो माशाल्लाह हाथों हाथ आपका काम हो जाएगा, वरना काम में देरी होगी या काम नहीं होगा, चाहे उल्टा होगा, ये सारी चीजें आप पर मुनासिर है दोस्तों। हर वीडियो में मैं बताता हूं कि जिस अमल की जो भी ताकीद की जाती है उसी दिन किया जाए। आप पहले से तैयारी कर लीजिए, सारे काम को रोक दीजिए, जब अमल करना हो तो सीरियस हो जाइए, दिलो जान से सारे ख्यालात को निकालिए, एक ही ख्याल से ये अमल कामयाब होने वाला है, होगा वो समझ कर आप करिए, इंशाल्लाह उसी वक्त आपका अमल हो जाएगा, अमल में कामयाबी मिलेगी। अमल, हर अमल करने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ कुछ सदका ज़कात वगैरह निकाले, पैसा वगैरह कुछ दे, अमल की ज़कात समझकर किसी को दे, आपके आपका सदका कुछ निकाल कर किसी को दे, खैरात करें, उसके बाद अमल करें, या बच्चों को चॉकलेट वगैरह से ही बांटें, उसके बाद अमल करें, इंशाल्लाह आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। जब तक अगर आप ये चीजों को भी अगर आप साथ लेकर चलेंगे तो माशाल्लाह आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा, प्रॉब्लम्स भी नहीं आएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं तमाम हमारे अमल बेखतर है, तो माशाल्लाह हम ऐसे ही अमल आपकी खिदमत में पेश करते हैं। दोस्तों एक जरूरी इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे जो आप वीडियोस मेरे हम देख रहे हैं आप यूट्यूब पर, अगर ये वीडियोस को कोई भी शख्स अगर किसी वेबसाइट पर या किसी, मैंने देखा है कि किसी मलेशिया कई इंटरनेशनल कोई एक वेबसाइट है उस पर मेरे सारे वीडियोस बने हुए हैं, तो कोई शख्स मेरे सारे वीडियो के लिंक को कॉपी कर अपनी वेबसाइट पे बनाकर शेयर कर रहा है, पैसा कमा रहा है, कुछ जो भी कुछ कर रहा होगा। बहुत सारे भाई बहन पूछते हैं ना, भाई पूछते हैं आप पीआरपी क्या देते वगैरह वगैरह,
पैसा कमाने एक शोहरत के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है भाई। देखिए मेरे वीडियो कोई रख कर कोई कमा रहा है, ऐसी बातें तो देखिए, ऐसे वो भाई को भी मैं कहना चाहूंगा ऐसे हरकतें ना करें, ऐसे काम ना करें, गलत है। तो दोस्तों ऐसे लोगों से अगर डायरेक्ट आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह देते हैं हमारा चैनल का नाम बताकर, तो ऐसे लोगों से आप होशियार रहिएगा। हमारा चैनल सिर्फ एक है, यही हमारा नंबर है, कोई हमारा नंबर नहीं है। चलिए दोस्तों ये हो गई सारी चल इन्फॉर्मेशन की बात है, लेकिन अमल के दौरान आपको यही करना है। अमल का जो आपको कामयाबी जो है कम से कम एक हफ्ते के अंदर आपको मिलेगी, अगर अल्लाह चाहा तो एक ही दिन या दूसरे दिन ही आपको कामयाबी मिल सकती है। देखिए चलो देखते हैं कि ये अमल को किस तरह करना है, किस तरह आप अंडे के अंदर इसको रखकर जब अमल आप कर चुके होते हैं, बस आपको एक 10 से 15 मिनट लगेंगे, कोई बड़ा मसला नहीं है। ब्लैक कपड़ा या रेड कलर का कपड़ा ले लीजिएगा, थोड़ा सा कपड़ा ले लीजिए दस्ती के मुआफिक, और एक काली डोरी ले लीजिएगा। लेने के बाद आपको जब नक्श बनाकर इसके अंदर डाल देते हैं तो साथ में इस कपड़े में साथ लपेट कर बांधना है। बांधने के बाद आपको किसी टूटी खबर में या खबरस्तान में दफन करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, लड़के कर लेंगे, बहनें नहीं कर सके, कहते हैं कि हम नहीं जा सकते, हम नहीं कर सकते, किसी हाथ से करवा लीजिए, अगर करवा लेंगे तो बेहतर है। अगर खुदा ना खासा सेकंड ऑप्शन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो किसी वीराने में दफन कर दें, कहीं भी जो वीराना पड़ा होता है जिसकी गैर आबाद जगह होती है वहां दफन कर दें। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते, थर्ड ऑप्शन है, इससे बढ़कर कोई ऑप्शन नहीं है, आप बहते हुए पानी में छोड़ दें, यानी पानी में डाल दें, जो पानी बहता हुआ जाता हो, नदी हो। ठीक है दोस्तों, इसके तीन तरीके हैं। आप पहला तरीका ही करें तो मैं वो आपको लिए 100% काम करेगा, दूसरे दो तरीके पे मैंने आजमाया नहीं है, ये तीसरा पहला तरीका माशाल्लाह 100% काम करता है। तो आप अगर आप जहां तक कोई कोशिश करें माशाल्लाह, अगर नहीं तो दो तरीके में भी कर सकते हैं, मुझे यकीन है कि इस तरह से करने से भी काम हो जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि अमल का तरीका कैसा है, जरूर सब्सक्राइब करें, और आप अगर नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, आपको ये वीडियो से बहुत सारी मालूमात हो गई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वही नक्श जुताई का 20वां अमल है दोस्तों। ये अमल में मैंने बताया आपको, जैसा कि देव तिल्स में हम जैसा कि हम बताए थे तिल्स के दरमियान जो है दो शख्सों के नाम लिखने हैं, और उसके बाद इसको किस तरह हम करेंगे मैंने बताया कि तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा अब तक आप स्क्रीन से स्क्रीनशॉट निकाल चुके होंगे तो देख लें, स्क्रीनशॉट निकाल लें तो देख लें, इसका कोई मिसाली नक्श नहीं बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। इस तरह से अब एक तिलस्म की जो है तौहा की लाइन जो है लंबी खींचेंगे, इसके बीच में जो सारे अदद हैं अरबी अल्फाज ना है, इस सारे अल्फाज को आप लिख लेंगे। लिखने के बाद ये तिलस्म को लिखेंगे, लिखने के बाद दरमियान यहाँ पर इसके बाद जो है जिस शख्स से आपको जुदा करना है उसका नाम, कोई मर्द है तो उसका नाम बिन लगाकर उसकी माँ का नाम आएगा, उसके बाद है जिस औरत से करना हो या जिस मर्द से करना हो तो फिर उसका नाम, फिर उसकी माँ का नाम। अगर उसके कोई मर्द को औरत से जुदा करना है तो मर्द का नाम, उसके बाद बिन उसकी माँ का नाम, उसके बाद औरत का नाम आएगा, बिनते फिर उसकी माँ का नाम आएगा। यहाँ पर है जुदाई शुद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इतना ही बस आपको लिखना है। तो लड़के के लिए बिन आएगा, लड़की के लिए बिनते आएगा। तो दोस्तों यही तरीका है, बस दूसरा कोई बढ़कर नहीं है। हमेशा आपको जो है ना कन्फ्यूजन हो जाती है कि चले भाई फिर साहब बताते हैं, मगर जो है तरीका क्या है समझ में नहीं आता, बिन का बिनते का मसला समझ नहीं आता। तो देखिए ये मैंने इस तरह से एक छोटी सी तिलिस्म बनाई है। ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें, दूसरा कोई पेन इस्तेमाल ना करें, ब्लैक इस्तेमाल चलेगा, इंक इरेजर चलेगा। इसके बाद देखिए फलां बिन फलां मैंने लिखा है, किसी का नाम नहीं लिया। बहुत सारे भाई बहन को एतराज़ हो जाता है कि हमारा नाम आपने ले लिया। तो देखें इस तरह से आएगा, अगर दो भी लड़के हैं तो बिन बिन आएगा, अगर लड़की है तो यहाँ बिन की जगह बिनते आएगा, लड़की अगर है तो बिन की जगह बिनते आएगा, लड़का है तो बिन ही आएगा। चलिए समझ गए, इस तरह आप छोटे से पलीते पर लिख लेंगे, सारा सनीचर को ही करना है। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अंडे की पोस्ट है, खाली पोस्ट, ये अंडा आप मैंने पूरा अंडे के अंदर से इसको आप देख रहे हैं स्क्रीन में, कुछ इसके अंदर नहीं है, जर्दी इसकी जो भी सफेदी वगैरह सारा कुछ मैंने निकाल दिया है। तो हम इस तरह से ब्लैक या ग्रीन रेड कलर का एक कपड़ा लेंगे, जैसा कि मैं आपको बताया था, इस तरह से कपड़े से हम आप इसके काम लेंगे। कपड़े के अंदर फिर एक काली डोरी होगी आपके साथ, कोई अतर वगैरह इस्तेमाल ना करें, बस ये जुदाई का नक्श है। तो जैसा हम देखें नक्श को इस तरह आप फोल्ड करें, फोल्ड करने के बाद इस तरह इसको लपेटना है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ तो भाई नए सब्सक्राइबर को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं सोचा कि चलें खुद अमल करके ही बता दूँ, थोड़ा सा वक्त लग जाए मसला नहीं। इसके बाद इस पोस्ट के अंदर इसको डालना है, नीयत क्या है आपकी, दोनों में जल्द जुदाई हो जाए। डाल दिए इस तरह से,
देखिए, ये एक तजुर्बाशुदा अमल है, ये कोई अमल ऐसा ऐसा नहीं, काम में लिया गया अमल है। इस तरह से देखें, अंडा कहीं फूट ना जाए, इस तरह से आपको अच्छी तरह से बांधना है। बांधने के बाद 2 या 3 घंट लगाने, 2 या 3 घंट लगाने के बाद ये हो गया आपका अमल का जो तरीका है, तैयार है। बस इसको आप किसी पुराने शमशान या कब्रस्तान में दफन करना है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो बहते पानी में डालें या किसी वीराने में आप इसको दफन कर सकते हैं। सारा तरीका मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। इतनी इंफॉर्मेशन तो माशाल्लाह आपके लिए बहुत काफ़ी, ऐसे तजुर्बेशुदा अमल शायद ही कोई बताए, लेकिन हमारे चैनल में हमेशा मैं आपको आसान तरीके बताता हूँ। कितने भी आप अमल कर चुके हैं, करके थक गए हैं, अगर काम नहीं करते, जुदाई नहीं हो रही है, इस अमल को आजमा लें, इंशाल्लाह आपको 100% कामयाबी मिलेगी। अभी लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें।